सबसे अच्छा मेरा प्रोग्राम रहा सिडनी ओलंपिक्स में, क्योंकि सिडनी में सिर्फ एक दूरदर्शन ही है जो मेरा मेडल के बाद तुरंत दिखाया, एंड मेरा पूरा जो कंपटीशन जो रिकॉर्ड भी दूरदर्शन ने किया। ऐसे ही 94 एशियन गेम्स भी दूरदर्शन कवर किया, 98 एशियन गेम्स भी किया, तो 2000 तक सिर्फ दूरदर्शन है, एंड अभी भी दूरदर्शन स्पोर्ट्स है या दूसरा दूरदर्शन के प्रोग्राम्स है जो बिल्कुल गांव देहात में जहां बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स या बहुत ज़्यादा मीडिया का नहीं जाता है कि वहां तक भी दूरदर्शन पहुंचे हुए, एंड लोग काफ़ी दूरदर्शन के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम छोटे थे तो एक दूरदर्शन चैनल होता था, बुधवार को चित्रहार एंड संडे को एक पिक्चर आती थी, तो उस समय से ही दूरदर्शन के साथ हमारी यादें हैं। दूरदर्शन के साथ बहुत सारी यादें रहे हैं उनके साथ, क्योंकि 90 से लेके 2000 तक और कोई स्पोर्ट्स कवरिंग चैनल था ही नहीं, और जो मेरा स्पोर्ट्स के करियर जो है 1990 से शुरू हुआ, शुरू से लेके जैसे बैंकॉक एशियन चैम्पियनशिप में मेरा सिल्वर आया, उसके बाद 2004 में वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ, एंड 2005 में वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो उस टाइम में एक ही चैनल था जो पूरा हिंदुस्तान जो देखते थे, स्पोर्ट्स को कवर करते थे, लोगों तक स्पोर्ट्स के बारे में पता लगता था, कौन सा प्लेयर है, कौन सा इवेंट खेल के आ रहे हैं, मतलब हमारे पास एक ही एक माध्यम था कि भाई पब्लिक में जाए, हमारे बारे में लोगों को बता सके। स्पेशली दूरदर्शन का एक बहुत अच्छा ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई भी बड़ा इवेंट्स होने वाले होते हैं, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स या एशियन गेम्स में, हम वो डिबेट के लिए बुलाते हैं, उनसे डिस्कशन होती है, परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो इससे लोगों को समझ में आता है हर एक इवेंट में एक्चुअली क्या दिक्कतें आती हैं और टेक्निकल क्या प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल किस तरह के हमने पार करने हैं, अगर हम विन किया तो किस पॉइंट्स पे, अगर लूज़ किया तो किस पॉइंट पे, तो ये पब्लिक को बहुत अच्छी तरह समझाने का एक माध्यम है।